पुलिस ने क्या कहा कि मिट्टी जला दीजिए जाके? बोले क्या करोगे, तुम तो पैसा नहीं है, क्या केस चला लोगे तुम, और तुम चली जाओगी, तुम का पैसा लगा लोगी, गुजरक हो तुम, इसकी मिट्टी ऐसी है, 95 भर के जला दियो। बहुत ज़्यादा दिल की सच्ची है, उसके साथ में ना बहुत धोखा बुरा किया। नमस्कार, गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। अभी हम बदायूं जिले में 50 वर्षीय आंगनवाड़ी सहायिका के मृतका के घर पे खड़े हैं। उनकी माँ से हम बात करते हैं, वो हमें बताएंगे इस पूरी घटना के बारे में। बताइए अम्मा जी, थोड़ा क्या आप बता रही थी कि कब की ये घटना है, आप थाने गई और पुलिस ने कैसे आपको वहाँ से वापस भेज दिया? जो हम गए, ये घटना आया इतवार को आई पूजा करने, तो उसकी उनके ससुराल में इसके 11:30 बजे के करीब इसकी घर पे ना दरवाजे पटक कर आ गई जी। अच्छा, आ गए, फिर उनने लड़का आँख नीचे तो दो का लड़का को आवाज़ दी, परमिंदर सांकर खोल, तेरी मम्मी को चोट लग गई है। लड़का आँख है मीच खोल मीड़ तो उठा के काय की लग गई इतनी देर में, तो आवाज़ भी भाग आए और गाड़ी की लाइट बंद करके ले गए हुए दरवाजे पे, फिर वो डार कर चली आई फेंक कर मेरी मिट्टी को। फिर उनके पते भी ना मिले, फिर हम गांव में आए, बाबा को देखा, उसे सारे कपड़े खून में सन रही, उससे कही चल तो कह मैं ना करा नहीं है तो मैं ना जाएंगे, गांव के है गई खट्टी कि जी नहीं भागेगा, तो बहुत पब्लिक ही, तो फिर हम छोड़े गए। फिर थाने गए, थाने से हम आए, थाने वाले से बहुत तेरी कही, हम रोए पीटे, पैर भी पकड़े उनके कि हमें कुछ ना कुछ तो देव बाबा को कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, हमारी लड़की के देखो कितनी चोट गमगी फेंक के आए जी मेरी मिट्टी को, कहीं मंदिर पे चल के तुम महानो कर लो तो हमारे दिल में ना शांति बन, थोड़ी बहुत दंड देना है तुमको, कुछ नहीं सुनी हमारी। मैं पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नहीं हूँ, केवल ये कह देना कि एक घटना में पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, दूसरे घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, इतना विलंब हुआ, अगर शायद समय से वो लोग पहुंच जाते, बच्चों को उतनी जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि एसएसपी से मेरी जो बात हुई उन्होंने कहा जिस समय महिला यहाँ आई वो सबकॉन्शियस थी, तो सबकॉन्शियस थी अगर उसको सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद बच जाती, या संघर्ष कर रही होती अभी जीवन के साथ, लेकिन वो सुविधा उसको नहीं मिली और अंत में अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हुई, पोस्टमार्टम में भी विलंब हुआ। मेरे जिनी के पिताजी छोटी छोटी छोड़ के मर गई, 6 साल की, 5-6 साल की, इनको बहुत ज्यादा मेहनत मजूरी करके एक भैंस पाल लेती, तो इनके पेट पालन करे, पढ़ाए लिखाए हाथ जोड़ के, मास्टर के फीस भी कभी कभी दे देते, ना नौके थे तुम बच्चन को भेज दियो, पुरानी किताबें दे देते इनको लेकर, फिर इसकी शादी कर दी, फिर इसकी नौकरी वहाँ में सहायिका में लग गई आंगनवाड़ी के नीचे, फिर अपना घर का पूरा हमारा दवाज जो है बुद्धि का काम है, हमें मालूम नहीं कछु, मोटी बुद्धि के हैं तो उसको वो ही पालन पोषण करे करती, मेरी भी दुख पीड़ में वो ही आए के दिखाती, दवाई गोली करवाती, घर पे ना और सावधान कर देती, कभी गेहूँ दे जाती, कभी आटा खर्चा हो जाती, कुछ मेहनत मजूरी कर लेती, तो हम ऐसा चले रहे। मंदिर पे अक्सर पूजा करने वो आती थी? पूजा करने आती वो, पूजा तो वो घर पे भी करती, कि कभी कभी शंकर जी के मंदिर पे भी चली जाऊँ, तो वो इतवार को आ जाती, मेरे पास रुकती, मम्मी को भी देख आऊंगी, तो उस दिन तो वो आई नहीं, हमें कुछ ना पता, हमें किसी ने सोचना जो भी नहीं दी कि तुम्हारी लड़की यहाँ पे है, कि चोट लग गई कि ऐसे है, हमें कोई ही पता नहीं, सो रहे उनकी सासरे से उसका पति आए कि उठो ना माताजी तुम चलो, तुम्हारी बेटी का बहुत मेरी मिट्टी फेंक के आए हैं मंदिर पे, चलो बाबा है कि नहीं है, फिर पहुँचे सारे कपड़े खून में सन रहे बाबा के, तो हम छोड़ गए, फिर दोबारा से फिर आए लेने को, भगा दिया बाबा, फिर गांव वालों ने,
वो तो वो जो गांव वाले सिगरी है वो इतनी पब्लिक में से छोड़ के बहुत कहां भज जाता, किसी ने पकड़ा भी नहीं उसको। तो और कुछ थोड़े बहुत लोग जाटवन में वैसे और थोड़ी बहुत ऐसे कह रहे कि इसको भगावत ही हम मारेंगे, तो कोई भग गया वो हाथ नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ छिपा है, कहाँ ना गाँव में छिप गया।